दुनिया भर में दोस्तों साइंटिस्ट इस बात पे शोध कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी तेजी से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको कैसे टैकल किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस प्रकार से कम किया जाए, ये जो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में घूम रही, इसको कम कैसे किया जाए, उस रिस्पेक्ट में एक ज़बरदस्त आप कह सकते हो फाइंडिंग हुई है इंडिया में, जिसको बोला गया वंडर बैम्बू। क्या है ये वंडर बैम्बू, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको बीम बैम्बू भी बताया गया, टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से इसको बनाया गया, क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कौन इसका डेवलपर है, इस सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के एरा में दुनिया भर के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भाई क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स कम जलाओ, तो कार में पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक कार को इस्तेमाल करो, कोयला कम जलाओ, बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो पावर का, न्यूक्लियर पावर का प्रयोग करो। कुछ लोग बोलते हैं फॉरेस्ट मत काटो, कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा पेड़ लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि बैरन लैंड्स पे पेड़ उगाओ। अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स दुनिया भर में इस बात के ऊपर शोध करते हैं कि कैसे ग्रीनिंग की जाए, कैसे और फॉरेस्ट लेके आए जाएँ, कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए। उस रिस्पेक्ट में रिसेंटली एक स्टेप लिया गया तमिलनाडु में, और ये जो तमिलनाडु का स्टेप है, इसमें हुआ ये है कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक ऑक्सीजन पार्क बनाया है, और इस ऑक्सीजन पार्क को कोयम्बटूर के अपने जो प्रमाइसिस हैं तमिलनाडु लेक्चरर यूनिवर्सिटी के, उसमें बीमा बैम्बू से बनाया गया। तो कोयम्बटूर में है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर ये ऑक्सीजन पार्क लगाया गया है, जिसमें लगाया गया है पौधा किसका, बीमा बैम्बू का। अब ये बीमा बैम्बू क्या है, तो बीमा बैम्बू एक क्लोन पौधा है किसका, बैम्बूसा बालकोवा नाम की एक बैम्बू स्पेशीज का। ये जो बैम्बूसा बालकोवा नाम की बैम्बू स्पेशीज है, इट इज़ अ हायर बायोमास यील्डिंग बैम्बू स्पेशीज। इस जो बैम्बू क्लोन का, ये जो बैम्बू क्लोन है भीमा बम्बू नाम का, इसको कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से पैदा किया गया है, मतलब कि जो नॉर्मल ब्रीडिंग मेथड होता है उससे पैदा किया गया, और यहाँ पे टिश्यू कल्चर का भी इस्तेमाल किया गया है। अभी टिश्यू कल्चर पे थोड़ी देर में आते हैं। ये जो स्पेशीज है, दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स, ऐसा बोला जा रहा है। ट्रॉपिकल कंडीशन में एक दिन में 1.5 फीट ये प्लांट ग्रो कर जाता है, और इसको बेस्ट कार्बन सिंक बोला जा रहा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को, एमिशंस को कम करने के लिए ये पौधा सबसे अच्छा बताया जा रहा है। तो ये जो बैम्बू का पौधा है, ये एक साल में 300 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। पौधों के बारे में आपको इतना तो पता है कि जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करके बायो प्रोडक्ट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ह्यूमंस के, जानवरों के काम आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक 4 साल का बैम्बू 400 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पर एनम यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है, ये जो बैम्बू है, और एक साल में ये 300 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन को पैदा कर सकता है। और एक साल में 300 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन एक पर्सन कंज्यूम करता है पूरी जिंदगी, मतलब एक साल में 300 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन से काम चला लेगा, और उतनी ही ऑक्सीजन एक बैम्बू का ट्री यहाँ पे पैदा कर देता है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर ये बैम्बूज 1 एकड़ पे लगा दिए जाएं, तो 80 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सालाना सीक्वेस्टर किया जा सकता है, नलीफाई किया जा सकता है, जिसको कहते हैं ना कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कैप्चर किया जा सकता है, मतलब एटमॉस्फेयर से हटाया जा सकता है। और अगर इस प्रकार से हम हज़ारों लाखों टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हटा दें, तो ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और हमारा जो कह सकते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ा रुक हो जाएगा, टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमा बैम्बी को एन भारती ने क्रिएट किया है, जो कि ग्रोमोर बायोटेक के हैं। ग्रोमोर बायोटेक लिमिटेड एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि हुजूर तमिलनाडु में बेस्ड है। ये थॉर्नलेस है, मतलब इसमें कोई कांटे नहीं, और स्टेराइल है, स्टेराइल मतलब ये अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर सकती। इसको टिश्यू कल्चर से पैदा किया गया, जिसकी वजह से पेस्ट फ्री है, विगरस है, सुपीरियर है, और ये आप कह सकते हो कि फील्ड में हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक ग्रो कर सकती है, और इसको रीप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक पौधा अगर आपने लगा दिया तो वो 100 साल तक चलेगा, उसको आपको रीप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके आप कह सकते हो टहनियाँ या पत्तियाँ बड़ी हो जाएं, आप उसको काट दो, वो फिर से ग्रो हो जाएंगी, आप उसको काट दो, मतलब आपको रूट उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, नया बैम्बू का पौधा लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ इट इज़ मैनेज्ड बाई फॉलोइंग द सिल्वीकल्चर मैथड्स, इरीगेशन प्रैक्टिस एंड फर्टिलाइजर पैकेज एज प्रेस्क्राइब बाई ग्रोमोर बायोटेक लिमिटेड, इट मे बिल्ड हायर बायोमास। मतलब प्रॉपर फर्टिलाइजर पैकेज,
फर्टिलाइजर पैकेज, इरिगेशन प्रैक्टिसेस और सिल्वीकल्चर मेथड जो कि ग्रो मोर बायोटेक लिमिटेड जिसने इस पौधे को बनाया है, अगर इनके द्वारा बनाए गए मेथड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है तो ज़्यादा बायोमास मिल सकता है। बायोमास मतलब ज़्यादा लकड़ी मिल सकती है। जो बैम्बू पैदा हो रहा है ना, बैम्बू की लकड़ी पैदा हो रही है ना, इस बैम्बू की लकड़ी को नाना प्रकार की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इस बैम्बू की लकड़ी को कोल के अल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो भारती के हिसाब से एक 2 साल ओल्ड बीमू बैम्बू अगर सॉइल में लगाया जाता है तो पर दिन 1.5 फुट से भर सकता है और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है 30 फिट की, ये 4 हफ्ते में पहुंच जाएगा। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ किया है। किसके थ्रू ये पैदा हो रहा है? टिश्यू कल्चर के थ्रू। टिश्यू कल्चर बायोलॉजिकल रिसर्च का एक तरीका है जिसमें एक एनिमल के या प्लांट के टिश्यू को लिया जाता है और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में उगाया जाता है। एक बार ये प्लांट बन गया, इसको जाके आप सॉइल में गाड़ दो और फिर ये कई 100 सालों तक चलता रहेगा, आपको इसमें बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है नॉर्मली कि टिश्यू कल्चर से जो पौधे पैदा होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, हेल्दी होते हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं, अर्ली मैच्योरिटी होती, कम फॉर्मेशन की, कम मतलब सेंट्रलाइज्ड आप कह सकते हो शूट के चारों तरफ जो पत्तियाँ और लकड़ियाँ उगनी शुरू होती हैं वो कम फॉर्मेशन से ही शुरू होती हैं। थ्रू आउट द ईयर प्लांटेशन है, कभी भी लगाओ जल्दी आग नहीं पकड़ेगा और कई 100 सालों तक चलता रहेगा बीमा बैम्बू की। हालांकि हर टिश्यू कल्चर का प्लांट कई 100 सालों तक नहीं चलता है। यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया? नहीं भाई, बीमा बैम्बू इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये मदर शूट के आसपास ग्रो करता है और आसपास के प्लांट्स को कॉलोनाइज नहीं करेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और खासकर प्लांट्स से ये डर होता है कि ये बहुत कॉलोनाइजिंग हो सकते हैं। एक्जॉटिक स्पेशीज सुनते हैं ना, एक ऐसी स्पेशीज जो कि बिल्कुल नए इलाके पर आप लगा दो और वो पूरे के पूरे इलाके को कॉलोनाइज कर देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है बीमा बैम्बू में। बीमा बैम्बू स्टेराइल है तो अपने ऑफस्प्रिंग ये पैदा कर नहीं सकता और दूसरे प्लांट्स को हटा के ये उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो जो सेंट्रल मदर शूट है उसके चारों तरफ ही इसकी पत्तियाँ और लकड़ियाँ पैदा होंगी और इसकी रूट और राइजोम फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन है कि इसकी पत्तियाँ लकड़ियाँ काटते रहो, बार बार ये उगता रहेगा। नया पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पौधा कई 100 सालों तक यहाँ पे चलता रहेगा। और इसीलिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्रोम और बायोटेक के इस पौधे को इस्तेमाल करके अपना खुद का ऑक्सीजन पार्क बनाया। ऑक्सीजन पार्क मतलब आपने ऐसे पौधे लगा दिए जो बहुत सारी ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही ऑक्सीजन पार्क आईटी पार्क सिरुसिरी चेन्नई में भी शुरू किया गया है स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु के द्वारा और वहाँ पे 1000 टिश्यू कल्चर्ड बैम्बो सैपलिंग्स लगाए गए हैं जो कि ग्रोमोर बायोटेक लिमिटेड ने ही अवेलेबल करवाए हैं। तो जो ग्रोमोर बायोटेक लिमिटेड की जो बीमा बैम्बू सैपलिंग्स हैं, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंडिया और क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में भी न्यूज़ आपको काम आ सकती है। तो हो सकता है कि इस चीज़ के ऊपर आपसे डायरेक्ट सवाल ना बने, बट मेंस में डायरेक्ट सवाल ना बने, प्रीलिम्स में बिल्कुल बन सकता है, याद रखिएगा। साथ साथ इस सवाल की इन्फॉर्मेशन को आप किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में कोट कर सकते हो, इस रिस्पेक्ट में भी ये चीज़ काम की है। और ये जो बैम्बू की कैलोरीफिक वैल्यू होती है कोल के बराबर होती है, तो कोल के अल्टरनेटिव की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। गाँव में कभी कभी कोयला जला के खाना बनाया जा सकता है, तो बैम्बू जला के भी खाना बनाया जा सकता है। जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें बैम्बू स्पेशीज का प्रयोग होता है बॉयलर्स में, बैम्बू फाइबर का प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक और गारमेंट बनाने में भी होता है। तो इस तरीके से एक नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से आप क्लाइमेट चेंज को रोक रहे हो। और टॉम क्रदर का ये भी बोलना है जो कि स्विस क्लाइमेट चेंज इकोलॉजिस्ट हैं कि दुनिया भर में 3 ट्रिलियन ट्रीज की जगह है, तो अभी भी हम 1.2 ट्रिलियन ट्रीज और लगा सकते हैं जिससे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। एंड दिस इज वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन। इस प्रकार के और इनोवेशन करने की जरूरत है और इस प्रकार के इनोवेशन को एक मेजॉरिटी बेसिस पे एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है, पर यह भी चेक करना जरूरत है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स ना निकल आए।